कुछ समझ नहीं आ रहा ना भैया, ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली ये सब बहुत मुश्किल है। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बिलाल, बिलाल मुनी के साथ ये जुल्म मत कर, उसे पागलखाने मत भेजो ताकि वास्ते। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूं। ये मुनी है, मुनी तुम्हारी मुनी, जिसके बगैर ना तुम एक कदम लेते थे ना वो। क्या तुम्हें उसकी जरा से भी परवाह नहीं रही? तुम उससे कितना प्यार करते थे, तो क्या उस प्यार के नाते मैं अपनी बीवी और बच्चे की जान खतरे में डाल दूं? तुम्हारे लफ्ज नहीं है, तुम्हारी बीबी के लफ्ज। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि मुस्कान ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मुनी को इतना गुस्सा आया। बस करें अम्मी, उसको नीचा दिखाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी आप? बकवास बंद करो, मां से कोई इस तरह बात करता है तो आप बताइए मैं क्या करूं? जब से मुस्कान इस करियर में आई, अम्मी को ना कोई ड्रामा की चली जा रही है। वो जान किस तरह की हरकतें कर रही है कि मेरे दिल में मुस्कान की नफरत पैदा हो जाए। मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, झूठ बोलना तुम्हारी बीवी की फितरत में लिखा। मेरी माँ दिमाग ठीक है तेरा? जवान बहन पे हाथ उठाएगा? बस कर दीजिए भैया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही। अब इसको वही नजर आएगा जो इसकी बीवी इसको दिखाएगी। बात सुनो, इस घर का बड़ा बेटा होने की हैसियत से मेरा हुक्म है कि जब तक अब्बू वापस नहीं आते, मोहनी यहां से नहीं जाएगी। जाके बता दो अपनी बीवी और अपनी सास को। और अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो? कभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, जाओ बताओ उनको। भैया एक बात आप भी समझ लीजिए, ये घर अब ना अब्बू का है और ना आपका, और आप अब्बू से अपने हिस्से के पैसे ले चुके हैं। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? क्या कर रहे हैं खुर्रम, छोड़ो। चुप रहो। हाँ, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? गिरबान छोड़े भैया। ना छोड़ू तो? मैं कह रहा हूँ गिरबान छोड़े। ना छोड़ू तो वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या लगते हैं। मैंने लेकिन मैं अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतनी फिक्र है ना, बहुत फिक्र है आपको, तो ले लीजिए मुनी की जिम्मेदारी, उसको रख ले अपने घर।
जवाब दें। चुप क्यों खड़े हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा ना भैया, ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली ये सब बहुत मुश्किल है। मैंने पागल खाने फोन कर दिया है। रब्बा बस कुछ ही देर में गाड़ी आ जाएगी। ममता के आंचल में जीता रहा, समझा न जन्नत का ये रास्ता। ममता के आंचल में जीता रहा, समझा न जन्नत का ये रास्ता। मेरी कोख से जन्मा क्यों दुख दे दिया, मेरे दूध का कर्ज भी दे ना सका। ममता कैसी ममता, रब दिख जिसमें वो है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.